हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। आपको पता है कि अभी जो दिल्ली में पुलिस और वकीलों की हड़ताल हुई है उसी से संबंधित है। तो वकीलों की हड़ताल और पुलिस की बगावत, इसके संपादक हैं विभूति नारायण राय। देश भर में वकील सबसे संगठित ट्रेड यूनियन है। अदालत परिसर में उनका आचरण किसी खराब ट्रेड यूनियन के सदस्यों जैसा हो जाता है। दिल्ली की एक अदालत में रविवार को जो कुछ हुआ वह ना तो पहली बार घटा और पूरी आशंका है कि यह अंतिम भी नहीं होगा। जल्दी हमें ऐसी किसी दूसरी घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ अदालतों के परिसर तो इसके लिए कुख्यात हैं, पर देश किसी भी भाग में यह अप्रत्याशित नहीं है। अप्रत्याशित तो वह प्रतिक्रिया है जो मंगलवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने दिखाई पड़ी। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। उसके विजुअल टीवी स्क्रीन पर दिखते हुए मुझे 1973 के दृश्य याद आए, जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पुलिस ने हड़ताल की थी। यहाँ पर याद दिलाना उचित होगा कि किसी अनुशासनबद्ध सशक्त बल की हड़ताल के लिए बगावत शब्द का प्रयोग किया जाता है और उससे निपटने के लिए वही तरीके नहीं अपनाए जा सकते जो समाज के दूसरे तबकों की हड़ताल के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अपनी कई निर्णयों में वकीलों की हड़ताल को न सिर्फ अवैध घोषित किया बल्कि भविष्य के हड़तालों पर भी पाबंदी लगाई, लेकिन इन आदेशों का कोई असर शायद ही कभी दिखाई दिया हो। अब्बास स्वरूप मामलों में वकीलों को दंडित किया गया, मगर आमतौर पर से दंड तभी दिया गया जब वकीलों ने जजों के साथ हिंसा की हो। ऐसा उदाहरण तो ढूंढने पर भी शायद ही मिले जिसमें समाज के दूसरे तबके जैसे डॉक्टर, दुकानदार, पुलिसकर्मी या अदालत के छोटे कर्मचारी वकीलों की हिंसा के शिकार हुए हों। उनके पक्ष में भी वैसी ही न्यायिक तत्परता दिखाई पड़ी हो जैसे वकीलों की शिकायत पर दिखने लगी हो। यह सवाल किसी भी नागरिक के मन में उठ सकता है कि अपने सम्मान के प्रति अति संवेदनशील अदालतें बार की हड़तालों को प्रतिबंधित करने वाले अपने फैसलों की धज्जियां उड़ती देखकर हड़तालियों के लिए खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं करती। इसका उत्तर ढूंढना बहुत मुश्किल है। देश भर में वकील सबसे संगठित ट्रेड यूनियन है, खास तौर से अदालत परिसर में जहां वे बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। उनका आचरण किसी खराब ट्रेड यूनियन के सदस्यों जैसा हो सकता है। मुख्य रूप से उनकी ज्यादतियों के शिकार अदालतों के छोटे कर्मचारी होते हैं। कभी कभी जजों को भी उनके हिंसक व्यवहार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन दो के अतिरिक्त अदालतों ने न्यायिक कर्तव्यों के लिए आने वाले पुलिसकर्मी सबसे अधिक उनके शिकार बनते हैं। पेशेवर अनुशासन के लिए उन्हीं द्वारा चुनी गई संस्थाएं हैं। हम अपवाद स्वरूप ही किसी वकील को कदाचरण के लिए इन संस्थाओं से दंडित होते देखते हैं। उच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ न्यायालय में अनुशासन और न्यायिक शुचिता कायम रखें, पर एक बड़े ट्रेड यूनियन समूह के खिलाफ वे बहुत प्रभावी नजर नहीं आते। अपने ट्रेड यूनियन ताकत को लेकर वकील कितने अस्वस्थ हैं, इसका उदाहरण रविवार की घटना के अगले दिन दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला, जब वकीलों ने देश की राजधानी पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों को पीटा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यह तब हुआ जब एक दिन पहले बिना पुलिस का पक्ष सुने अदालत ने उन्हें राहत दे चुकी थी। यही पुलिसकर्मियों और उनके गुस्से का फौरी कारण भी है। ट्रेड यूनियन की यही मनोवृत्ति हम इलाहाबाद, लखनऊ, पटना की सड़कों पर भी देख सकते हैं, जहां जरूरी नहीं है कि पुलिस वाले ही उनके शिकार बने हों। बहुत से मामले में दुकानदार, डॉक्टर या वाहन चालक उन्हें झेलते हैं। शायद ही उनके खिलाफ दर्ज सामूहिक हिंसा का कोई मामला तार्किक परिणति तक पहुँचा हो। कुछ ही समय पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता कन्हैया कुमार को पुलिस हिरासत से घसीटकर कुछ वकीलों ने पीटा, जिसे पूरे देश में चैनलों पर लाइव दिखा
पर उनमें अनुशासन कायम रखने वाली किसी संस्था ने कोई प्रभावी कार्यवाही की हो ऐसा नहीं लगता। देश की राजधानी में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए लगता है कि सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेंगे। पुलिस कर्मियों का जमावड़ा सोता स्फूर्त हो भी तब भी इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसी सशस्त्र बल के सदस्यों को अपने कमांडरों के हुक्म की अवहेलना की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हर बल इस स्थिति से निपटने का एक आंतरिक तंत्र होता है और उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस भी इस दिशा में सक्रिय होगी। पर इस बार तो सर्वोच्च न्यायालय से भी सक्रियता की उम्मीद की जानी चाहिए। उसकी इमारत से कुछ ही किलोमीटर के दायरे में न्याय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण पुर्जे वकील कानून कायदे की धज्जियां उड़ाते रहे। उनके मन से यह विश्वास खत्म होना चाहिए कि वे कुछ भी कर लें उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दिल्ली भर के CCTV कैमरे उनके ऐसे कुकृत्यों से भरे हुए हैं से गंभीरता से लेने से देखने की ज़रूरत है। वकालत के पेशे में किस तरह के लोग आ रहे हैं। देश के कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालय और विधि महाविद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर संस्थानों के अध कचरे ज्ञान और अधूरी समझ वाले कानून के विद्यार्थी निकल रहे हैं और भीड़ के रूप में अदालत में खप रहे हैं। ये कुछ भी करके रातों रात अमीर होना चाहते हैं। इस गलाकाट स्पर्धा की दुनिया में स्वाभाविक है कि हर अदालत में कुछ भी वकील सफल होते हैं, शेष गैर पेशेवर तरीके से भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। एक मजबूत ट्रेड यूनियन के सदस्य होने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे उनका दुस्साहस बढ़ता जाता है। यही समय है कि जब कानून की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर वकालत का पेशा अपनाने वालों में पेशेवर नैतिकता और अनुशासन कायम करने के लिए उसी तरह की जिम्मेदार संस्था बनाने के बारे में सोचा जाए जैसा कि चिकित्सा क्षेत्र में किया गया है। चलिए तो ये था अभी जो दिल्ली में पुलिस की हड़ताल हुई उसी से संबंधित एडिटोरियल।